ऐसा कुछ है, हम लोगों का काजा का स्टे, ये होटल 2 रात के लिए हम लोगों को पड़ा 4,100 रुपये के आसपास। डिसेंट सा है, कुछ खास नहीं। इलेक्ट्रिसिटी रात के 9-10 बजे के बाद से नहीं रहता, तो अभी फटाफट हम गियर अप होते हैं फिर इधर से निकल। तो अभी सुबह के बज रहे 8:50 और हम निकल रहे इधर काजा से। आज का डेस्टिनेशन वही मनाली, सेम रूट। तो फुली आधा आधा कवर करूँगा, ज़्यादा पूरा दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर जो भी अच्छा वैसा दिखेगा वो ही दिखाऊँगा, वरना तो आज चलते चलना है। तो ये रहा काजा का मेन मार्केट और बस स्टैंड जो कल दिखाया था। तो इधर से हम सीधा जाएंगे, अभी चेन लूप करवाना है, उसके बाद थोड़ा, हाँ ऊपर थोड़ा सा कहीं दूर जाके हम खाएंगे ब्रेकफास्ट और फिर निकल देंगे। 8:50 हुए, अभी कुछ ज़्यादा खुलेगा नहीं इधर। पेट्रोल पंप ऊपर से ही है ना, चलते अभी पेट्रोल पंप। ओए भाई भाई भाई, भाई कितना भीड़ है। हाँ देखते जगह भी मिलेगा क्या। हाँ नीचे उतार दिया, देखता हूँ। ओ तेरी, पीछे से लेना था। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिटेल आउटलेट काजा एट अराउंड 12,270 फीट। और मैं इधर लाइन पे खड़ा हूँ, देखते। One eternity later. निकलते हैं। Come this way. चलो। और बाइक का चेन तो लूप नहीं हो पाए, किसी को भी पूछ रहे हैं, बोल रहे आगे जाओ आगे जाओ। तो कोई बात नहीं, अभी तक तो सब ठीक ठाक ही है। फिर आएंगे कभी काजा, मे बी फॉर विंटर स्पीति, बट इस विंटर तो नहीं, इस विंटर कुछ अलग प्लान है, देखते हैं। तो सीधा वाला रास्ता जाता है कि मॉनेस्ट्री, चीचम ब्रिज और आगे की तरफ जाएगा तो इसी रास्ते से मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड वाले रास्ते से। बट लेफ्ट हैंड साइड वाला रास्ता थोड़ा शॉर्ट आता है, तो हम ये रांगड़ी ग्रॉम्फू वाला रास्ते से ही जाएंगे। इसी रास्ते से आए थे, इसी रास्ते से जा रहे हैं नीचे स्पीति रिवर। उधर एक टेम्पो ट्रैवलर वाले से बात हो रहा था होटल के पास, वो बोल रहा है कि जितना खर्चा आपको बाइक में आने के लिए हो रहा है उससे कम खर्चे में तो आप कार में आ सकते हो, बट बाइक के जो अलग मज़े हैं वो उसको कौन बताए। वो बैठ बैठ के आ जाओ टूरिस्ट की तरह, उसमें मज़ा नहीं है यार। पूरा टूर जो कर रहे हैं उसमें हर एक मोमेंट में खुद को इन्वॉल्व करना है, इसी में मज़ा है। बीच में सो लिए, झपकी मार लिए, कहाँ से कहाँ पहुँच गए पता नहीं चला, दिस इज़ नॉट इट। बहुत सही दिखता है। और ये रांगरिक का बुद्ध स्टैचू, अबे ये आ गया रांगरिक, रांगरिक का बुद्ध स्टैचू।
ऑलमोस्ट इधर हर गांव में एक एक बुद्ध स्टैचू है, तो इसका रिजेम्बलेंस ऐसा है कि गांव को वो प्रोटेक्ट करता है, वैली को प्रोटेक्ट करता है। थोड़ा सा स्लो होकर देख लेते हैं कुछ है कि नहीं। उप्स, नहीं शायद नहीं मिलेगा, मैकेनिक तो दिख नहीं रहा। पूरा मॉनेस्ट्री दिखता है दूर से, और पता नहीं क्यों अच्छा खासा ठंड लग रहा है अभी अभी ठंड लग रहा है थोड़ा सा। ओके, सीधा 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 बस चलते जाना है। दोस्तों में चेक पोस्ट है, हम उधर रुकेंगे, उधर ही खाना खा लेंगे, उसके बाद तो कोई चांसेस ही नहीं है। करीब सुमलिंग आ रहा है 1 किलोमीटर में, और उधर जो रॉक फॉर्मेशंस हुए हैं विंड के वजह से बहुत सुंदर दिख रहे हैं। हवा बहुत तेज़ चलता है इधर, ठंड भी लग रहा है, उंगली जम रहा है। उधर अभी आउटसाइड टेम्परेचर ऑलमोस्ट 5 से 6 डिग्री के बीच में होगा, और इधर तो काजा में जब हम निकले थे तब 4 डिग्री का था, अभी तो इधर और ठंड होता है। पता नहीं 5-6 ही एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि अभी भी उतना ज़्यादा ठंड तो नहीं लग रहा है, सिर्फ उंगलियाँ जम रही है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मेश ग्लव्स है, विंटर ग्लव्स पहन लेना चाहिए था। छोड़ रहा है पीछे रोड को देख के, क्या रोड है बनाए इन लोगों ने, मतलब ऐसे हाइट पे जो रोड बना के रखा है। एक तो कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उधर से वो चेन्नई में कौन सा है तो वो नहीं पता, साले क्या बना के रखते हैं ये लोग, मतलब रोड है या मतलब छोड़ो। फिर भी दिल्ली नोएडा में इट वॉज़ गुड, मतलब एज कम्पेयर टू चेन्नई एंड कोलकाता। चेन्नई में फिर भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वैसे चेन्नई में आधा टाइम तो हम फुटपाथ पे ही चलाते थे। कोलकाता इज हेल यार, दैट ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाईपास, शिटीएस्ट रोड दे हैव एवर मेड एंड दे कॉल इट एज बाईपास। शार्प लेफ्ट, गियर नीचे करना, ज़्यादा तेज मत घुसना। वो आ रहा है अभी, क्लिप्स बहुत सुंदर दिखते हैं खास करके ये। वो क्या दिख रहा है वैली, थोड़ा स्पीड कंट्रोल में रखना ठीक है। नाइस, मस्त वाला ब्रिज, नाम तो नहीं पता। वन व्हीकल एट अ टाइम, कैपेसिटी 9 टन, डाल दो पवन भाई, डाल दो कोई प्रॉब्लम नहीं। पता नहीं, वो पूरा फ्लैट टॉप दिख रहा है वो एकदम, मतलब पीक जैसा ऐसा नहीं है। नाइस, सही है, क्या क्या नहीं दिखने को मिलता है इंडिया में, फिर भी लोग बाहर चले जाते भगवान जाने क्यों। हाँ बट बाहर जाके भी बाहर के कल्चर को देखना भी इम्पोर्टेंट है, बट उससे पहले अपना इंडिया देख लो। स्कूलिंग में ना एक कोर्स रखना चाहिए कि भारत दर्शन, हाँ एक एक बार में निकलो, सारे स्टेट्स घूम के वापस आओ,
हाँ कैंसिल कर दो गर्मियों के छुट्ट, क्या क्या होगा गर्मियों के छुट्टियों में, बैठ के तो होमवर्क करते हैं, हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं और क्या होता है, यही होता था क्या? दिखता है यार ये रोड उस साइड वाला ना, शिमला साइड वाला, वो भी ऐसा ही है। यही तो है, क्या रास्ते है भाई भाई, भाई। टर्न्स एक नंबर के टर्न्स, शार्प लेफ्ट, यार एक बात बताओ, बुरा मत मानना ठीक है, इस बाइक में ज़्यादा अच्छे दिखते हो, मतलब मैं रियर व्यू में मिरर में दिखता हूँ ना, इस बाइक में ज़्यादा अच्छे दिखते हो। वो साले क्या मतलब, नहीं पता नहीं, पर्सनल प्रेफरेंसेस लोगों के। क्या नज़ारे, बहुत मिस करूँगा इस रोड को। और कौन सा अच्छा रोड था पवन भाई जिसको हम मिस कर सकते हैं? नहीं नहीं पिछले वाले पे भी, हाँ हांडले वाला रोड भी भाई भाई भाई, भाई। हाँ हाँ उमलिंगला व्यू के लिए नहीं, उमलिंगला इस फॉर द अचीवमेंट दैट यू डू। बाकी इधर रोक के ग्लव्स चेंज कर लेते हैं। अरे बिस्किट नहीं खा रहा, तुम खा, तुम खा, मैं हेलमेट नहीं खोल रहा। चलो 10 बजने वाले, 10 बज रहे, 9:59। तो ये हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं ग्रामफू ब्रिज, ये रहा ग्रामफू ब्रिज, और ऊपर से वो रास्ता जाता है चीचम की तरफ, सॉरी ये कियाटो ब्रिज है, सॉरी कायटो, बट मैप्स पे पता नहीं क्यों ग्रामफू ब्रिज लिखा हुआ रहता है, जो भी हो कायटो, कायटो तो इधर का वो गांव का नाम है ना, नेक्स्ट जो गांव आने वाला है उसका नाम है कायटो। और वेलकम टू मिनी लामा यूडू। देख के अब फील हो रहा है जादू की तरह, वो जो धूप बोलता था ना धूप, अरे धूप तो निकलो यार, उंगलियां सुन पड़ रही है। ये चला जाता है अंदर किब्बड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चीचम सब अंदर इस रूट से, ये रहा काजा भी जा सकते हैं बट थोड़े घूम के हो जाएगा, वो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, आधा घंटा एक्स्ट्रा। चलते हैं कियाटो की तरफ। ये था हम लोगों का फोटोग्राफी पॉइंट जहाँ से हम लोग फोटो लिए थे। फोटो कहाँ मिलेंगे? इंस्टाग्राम पे, एंड इंस्टाग्राम हैंडल कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन पे। गोल्डन गोल्डन से वैली देख लो यार, इसके बाद सब खत्म। पूरा बंजर जमीन आएगा। ये जा रहा है रास्ता ऐसे ऐसे होते हुए, ये क्या है, यक यक है, गाय क्या है ये?
लोसर गांव में जहाँ पे लास्ट टाइम हम रुके थे, वही थावा या कैफ़े जो भी हो उस पर ही रुकेंगे। एंड ये रहा राइट हैंड साइड वाला, यस वी लाइक दिस वन सो वी विल स्टॉप ओवर हियर। वो आता जाता रहेगा चेन्नई। ओके सी यू। आगे कुछ है? ओके क्यों? हाँ ओके सो दिस इज़ द लोसर चेक पोस्ट। इसके बाद से कोई भी नेटवर्क है नहीं, तो किसी को अगर कॉल करना है घर पे तो कॉल कर सकते हैं। हम क्या ही करेंगे, हम तो पहुंच ही जाएंगे मनाली। मेरा भी एंट्री करवा देना यार। हम अभी एंटर कर चुके हैं लाहौल वैली में, पीछे रह गया स्पीति वैली। रोड्स अभी तक तो ठीक ठाक सही है, बट ख़राब होगा, कुछ देर बाद ही ख़राब रोड चालू हो जाएगा। सच देखते हैं फिर से मैन एंड मशीन का टेस्ट चालू। डबल लेके चल रहे हैं, ऊपर से इस सब बाइक्स का सस्पेंशन भी ठीक नहीं रहता, भगवान जाने कैसे करेंगे। सामने तो एक हिमालय है, ये तो कर लेगा, पीछे वाला क्लासिक है, हट के चार हो जाएगा उसका। और उधर से वो रहा ऑफ रोडिंग चालू होने का जगह। ओहो घोड़े गधे क्या ही है। नाइस ब्रो, नाइस। ये ऑफ रोड चालू हो रहे हैं, ठीक है। Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. सेम रास्ता, इधर से आए थे इधर से वापस जा रहे हैं। ओके अच्छा खासा चढ़ाई है कि नीचे कुछ रेत। हाँ हमारे पीछे ही हूँ। तो अभी हम दोनों खड़े होकर चला रहे हैं, मस्त लग रहा है, मस्त रोड ही नहीं है। शॉर्टकट था एक, बट नहीं लेंगे, छोड़ो। हाँ बन गई, आगे
कुंजुम पास का बोर्ड है। चलो आ गए हम कुंजुम पास। हाँ रुको रुको, अरे भाई बोर्ड ही छोड़ दिए। ये आ गए हम कुंजुम पास। दो अब कैमरा फोटो क्या लेना है। दो ट्रक आ रहा है, ट्रक मोमेंटम कम हो जा रहे वो। रुक गंडू की तरह सब घुस रहे एक साथ। ग्लेशियर मस्त दिख रहे ऊपर ये वाला। हाँ हाँ बीच में ये देखो, गिरा क्या ऊपर, लग रहा है गिरा ऊपर। घूम घूम के नीचे जाना है, वो नीचे देख के वो जा रहा है रास्ता नीचे की तरफ, वो जा रहा है। क्या व्यू भाई भाई भाई, ये पिक व्यू है। नेक्स्ट लेवल। पीछे का रास्ता चंद्रताल जाता है और ये आगे जाएगा मनाली की तरफ बाताज। पूरा बोर्ड कोई बात नहीं, पहले भी वीडियो में दिखाया ही था, ध्यान देते हैं। पूरा धूल धूल कर दिया इधर, दो दो गाड़ियाँ आ गए। ओहो हिमाचल परिवहन, ये बस तो काजा के लिए जा रहे हैं। बस के साइड से होके तो जगह लेना मुश्किल है बहुत। क्या चल रहा है भगवान जान, ये चुपचाप खड़ा है, ये भी खड़े हैं। पॉसिबल नहीं है, क्या ही घुसाएंगे इसमें, पागल हो क्या। नहीं नहीं घुसेगा बस, अगर इस कोने पे आए तो होगा, नहीं तो कुछ नहीं करने वाला। उस बस को इस कोने पे जाना है। हाँ बस पीछे ले रहे, चलो
ये भयानक सा सीन है। हाँ बस पीछे जा रहे हैं, ये आ गया बाताल का ब्रिज और वो रहा चाचा चाची का ढाबा। इधर 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 पीछे लगाते हैं। कहाँ कहाँ लगा रहे हो? आगे अंदर की तरफ, उधर लेफ्ट में मिल जाता जगह जहाँ पे लास्ट टाइम रखे थे ना। ओके तो ये रहा चाचा चाची का ढाबा। साइड मिलेगा क्या? देखते हैं देंगे कि नहीं, मूड में नहीं है देने के लिए। नहीं, नरक वाला रोड है ये, नरक। Welcome to Nara. It's a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient. नीचे वाला लेना चाहिए था क्या? यो शिट, नीचे 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 लो, नीचे लो, नीचे लो यार। ठोस है क्या? हाँ आ गए। ओह फट गई फट गई। रोड तो जो आए थे वही रोड है और लग रहा है उससे भी बदतर कंडीशन में है अभी। कुछ कुछ कैंप्स लगे हुए, पता नहीं वो वर्कर्स के कैंप से या हाइकिंग ट्रेकिंग करने वाले हैं उनके कैंप से।
ये रहा छत्रु का जो छोटा सा ढाबा है, यही है फ्री ब्रिज के उस पार से हम उस साइड चले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। ये पहुंच गए हम, ये हम पहुंच गए छत्रु। लग रहा है ट्रेकिंग वाले लोग हैं, होता होगा कुछ तो पता नहीं। ओह 5 मिनट का ब्रेक एंड देन विल मूव। पाँच मिनट का ब्रेक फिर सीधा उधर से आगे की तरफ बाइक से पेट्रोल कैसे निकाला जाए। ओ तेरी इतना पानी। മല്ല കുറച്ച് ഭാര്യ പ്രശ്നമില്ല ഓക്കെ അങ്ങോട്ടേക്കല്ല क्या क्या ले लो करने वाले भाई को बुला हो गया दोनों भाई कुछ ना इसको इसको नीचे बैंड करके ही सकता मैं लगा था इसमें आया था इंद्री बोली बोला ना मजा तो 100 बिचो दे ओड़ी पास पा എന്തായാലും ഒരാളുമായി പറയാം ഒരാളെ പറക്കി നമ്മ ആദ്യം ചോയാക്കണ്ട ഇഷ്ടം ഇത് നോക്കിക്കോ ബേ വിളിച്ച് ഒറ്റ ബേ വിളിച്ച് മാറിയാ മതി ഓക്കെ ചേ ഗുഡ് ലക്ക് चलो यप सो विल लीव फ्रॉम छत्रु। पेट्रोल दिए जिप्सी के लिए क्योंकि वो गया जिप्सी का हाल ख़त्म, वो जा नहीं पाएगा कोकसर तक भी पहुंच जाए यही काफ़ी है। एक एक लीटर दे दिया मैंने और पवन ने, अभी भी इनको 8-10 लोगों से मांगना पड़ेगा एक एक लीटर करके। चलो अभी नेक्स्ट रुकते हैं कोकसर राइट हैंड साइड पे, बहुत सुंदर दिख रहा है ये पिक। जान निकल जाती होगी जो लोग इधर पल्सर से आ रहे हैं, हम तो ठीक है खड़े होकर निकाल लेते हैं। पल्सर विथ पिलियन ये भी क्लासिक। ओए कीचड़ में घुस गया तो कीचड़ में घुसा
बच गया, अभी कांड हो रहा था, मेरे जूते उतर गए और ये आ गया कीचड़। ओ तेरी, टायर कहाँ जा रहे हैं? ओके निकल गया। चल दोनों पैर साइड बाय साइड करते करते निकल लिया। वैसे कुछ टफ नहीं था बट फटता है थोड़ा बहुत देख के तो। वैसे हिमालयन ऑफ रोड में परफॉर्म तो बहुत सही कर रहे हैं, मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ब्लैक टॉप रोड है ऊपर टर्मैक, अभी तो धूल खाते हैं थोड़ा सा। लेना पड़ेगा साइड, यस इम्पॉसिबल का आगे जीत है। चलो देखता हूँ कब तक ट्रक चलते हैं, साइड कब मिलता है। फिर से कीचड़ नहीं चाहिए था, कीचड़ आ गया यार। कीचड़ नहीं। ठीक है जाने देते हैं। अरे वो भी थोड़ा थोड़ा इस साइड हिल रहा है, वो देखो 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 देखो। हाँ धूल खिला के। ओके कीचड़ तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अबे तुम क्या ओवरटेक कर रहे हो कीचड़ में, पीछे रहो। आ गया पानी, मैं पानी हो गई। ओके अनदर नाला। क्या कर रहे हो? पवन को सिर्फ ये सब सोचता है। रोड पे अब हमको जाना है इस साइड। चलो पीछे की तरफ रोहतांग पास। अटल टनल रोहतांग वो उधर है, रोहतांग पास पीछे है। वो रोहतांग पास पीछे है बे, रोहतांग पास पीछे है उस साइड। घूम के आ जाते, पास ही तो है। पी लो, मैं भी आता हूँ पेप्सी। चलो मेन रोड तो आ गए हम, अब सोच रहे कि घूम के आते हैं रोहतांग पास से। वैसे अटल टनल से 12 किलोमीटर दूरी है, 45 किलोमीटर्स फ्रॉम मनाली। टाइम हो चुका है 4:04। ओके सो वी हैव टाइम। ओके तो रोहतांग का अभी के लिए प्लान ड्रॉप, क्योंकि ये पुलिस चेक पोस्ट है, सामने पुलिस है, उन्होंने बोला कि नहीं जा सकते हो, बाइक्स नॉट अलाउड। तो अभी नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, उनसे पूछ लिया, उन्होंने बोला कि अलाउ नहीं है, तो ठीक है कोई बात नहीं, नो इश्यूज। जस्ट इधर से कोकसर अभी 2 किलोमीटर बाकी है, उधर जाके हम एंट्री करवाएंगे कि हम सही सलामत पहुंच गए कोकसर, एंड देन विल हेड टुवर्ड्स अटल टनल। तो इधर हम कोकसर में एंट्री करवा दें। 3-4-5
और हम फिर से वही मनाली के स्मूथ रोड्स पे। व्लॉग इधर ही एंड करता हूँ। इस बार हम ट्रिप एक साइड का ही किए, सिर्फ मनाली के साइड से काजा तक और काजा से वापस। नेक्स्ट टाइम हम पूरा सर्किट कंप्लीट करेंगे, शिमला साइड से चालू करके वापस हम ख़त्म करेंगे मनाली साइड पे। तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि आप अप टू डेट रहें मेरे नेक्स्ट ट्रिप के। थैंक यू।